तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ तेलियरगंज के रसूलाबाद साइड में, वहाँ सामने मंदिर के पास में। और यहाँ पे सजावटें काफी अच्छी हुई है, साथ साथ में डीजे कंपटीशन भी काफी अच्छा था। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना प्यारा, देखो कितना बड़ा डीजे जा रहा है कंपटीशन। और इधर छोटे बच्चों के लिए झूला उला है। और इस साइड देखिए भाई, क्या ही गजब भाई सजावटें की गई है, काफी अच्छा है। तो हर जगह आपको तेलियरगंज में जाके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे सजावटें अच्छी हुई है और डीजे कंपटीशन कहाँ पे होगा। मैं चल रहा हूँ तेलियरगंज के मार्केट साइड में और हमारे सामने इतना बड़ा डीजे लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो डीजे कंपटीशन रात के 10 बजे से 12 बजे तक होता है, रात भर पूरे होता है। तो उसी का झांकी भी निकाली जाती है, वो वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। और वो भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए भाई सामने देखिए कितने बड़ा डीजे है। तो जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि तेलियरगंज का बैंक ऑफ बड़ौदा वाली गली में किस तरीके से सजाया गया और बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं, तो उस जगह पे मैं आज आ गया हूँ। कल का दृश्य कुछ और था और आज का दृश्य देखिए कुछ और है। तो अपने बैक कैमरे करके दिखा दे, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े झूले लगाए भाई। और इधर तो छोटे बच्चे हैं, देखो बड़ा वाला झूला है और इसके बगल में भी काफी सारे झूले हैं, जिग-जैग झूले भैया। तो हमारे सामने आप देख रहे हैं बड़ा वाला झूला है। और कल ये तो इसमें लाइटिंग नहीं चल रही थी, आज फिलहाल चल रही है। और इसके बगल में भाई ब्रेक डांस झूला है। आप लोगों ने पुरानी मेरी मेले की वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया था। तो फिलहाल अभी ये चल नहीं रहा है ब्रेक डांस झूला। और इसका टिकट प्राइस भाई 60 रुपये पर पर्सन है, नहीं 100 रुपये पर पर्सन है। उसमें 6 राउंड घुमाएंगे और काफी बड़ा कंपाउंड है यार, काफी बड़ा ब्रेक डांस वाला झूला बनाया गया है। और ये देखिए बड़ा वाला झूला काफी अच्छा लग रहा है और काफी मजेदार है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि आगे आगे कहाँ कहाँ पे झूला लगा और कहाँ कहाँ पे अच्छी सजावटें हो रही, कहाँ पे डीजे कंपटीशन होगा। भाई कल जो आप देख रहे थे कि ये रोड कितना खाली खाली था और आज ये रोड आप देखिए कितना बड़ा बड़ा है यार। और मेला आ गया लेकिन अभी लोग का काम खत्म नहीं हुआ मेले वालों। ये लाइटें कल पूरी तरीके से नहीं चल रही थी, बट आज देखो भाई पूरी लाइटें चल रही है। और जगह जगह का आपको सेल्फी पॉइंट भी दिख जाएगा, हर एक चीज आपको मिलते हैं। लेकिन कि चाउमिन बर्गर पिज्जा जिसको खाना है सब लोग आके यहाँ पे खा सकते हैं। देखो टिक्की पाव, इधर जूस हेल्थ के लिए भी देखा जा रहा है। और इधर देखो भाई कल वाले सजावट में लोग आ गए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा है तेलियरगंज का मेला। और बगल बगल में देखो भाई इधर जलेबी भी छन रही है, क्योंकि जलेबी खाना है तो गुड़ वाली जलेबी आके खा सकता है। और यहाँ मकड़ी भी मिल रही है साथ में सब कुछ। और इधर देखिए घड़ी वड़ी भी सब कुछ एकदम मिल रही है। आप लोग आके अगर वीडियो देख रहे हैं, अभी तो घंटे में अपलोड हो जाएगी, तो देख रहे हैं तो आके आप लोग ले सकते हैं। देखिए भाई सजावट ये देखिए। यार कुछ भी बोलो तेलियरगंज में यार लाइटिंग की कमी नहीं है, एकदम काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इधर अभी मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ इस साइड से। देखिए यार क्या गजब यार लाइटिंग की गई, एकदम दिल खुश हो जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन रोड है प्रयागराज टू लखनऊ वाला, उस पर देखिए भीड़। और हम अभी तेलियरगंज के मार्केट में खड़े हैं, इस साइड भी देखिए काफी भीड़ है मेले सब है। और इस साइड देखिए भाई भीड़, क्या गजब भीड़ है। उधर से पूरा उधर से एकदम भीड़ ही भीड़ है। और रोड के साइड साइड भी लाइटिंग लगाई की है, पूरी लाइटिंग लगाई गई है। और जगह जगह पे यहाँ पे कमेटी वाले भी है, क्योंकि रात को चौकी इसी साइड से पूरा इस साइड पे जाएगी, दोनों साइड से चौकी जाएंगी रात को। और डीजे कंपटीशन भी इसी मेन रोड से होगा। और ये जो गाड़ियाँ भी जा रही है वो सब बंद कर दी जाएंगी। ये सब देखो जितने लोग आप देख रहे हैं सब मेला देखने वाले हैं। और यहाँ पे कमेटी वाले हैं, जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगी। और इस साइड देखिए बेसिकली जो तेलियरगंज के मेले होते हैं वो रोड में पूरे सजावटें हुई रहती हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी झांकियाँ और बड़े बड़े डीजे कंपटीशन होते हैं और वो डीजे कंपटीशन रात को 10 बजे से स्टार्ट होते हैं और उसकी वीडियो हम आपको दूसरे पार्ट में लाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि सजावटें कितनी हुई हैं और इस गली में भी देखिए काफी अच्छी सजावट हुई है और हर जगह आपको दधिकांत मेला कमेटी दिख जाएगी और इस सारी पूरी रोड पर सजावटें हुई है। तो चलिए हम हर एक गलियों का दिखाते हैं कि क्या क्या सजावटें हुई है और क्या क्या डीजे कंपटीशन होगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भाई डीजे न उठे इसके लिए पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं कि डीजे न उठे और यहाँ पे भाई डीजे काफी तगड़े तरीके से बांध दिए हुए हैं क्योंकि अभी डीजे कंपटीशन होगा पूरा मार्केट को हिला देते हैं। भाई देख रहे हैं ये पवन म्यूजिक वाले डीजे कंपटीशन वाले हैं, देख रहे भाई किस तरीके से बांधा गया है डीजे और लाइटिंग देख रहे काफी भाई शानदार तरीके से पूरा बांधा गया है और ऐसे ही बहुत सारे डीजे हैं। भाई तेलियरगंज की जो मार्केट है मेन जो मार्केट है जिसपे हाईवे जो है नेशनल हाईवे उसपे भाई मेले के दिन पूरा साइड में दुकानें लगी रहती, देख रहे पूरे साइड में इधर पूरी दुकानें ही लगी रहेंगी, पूरा एकदम साइड में इधर पूरी दुकानें लगे रहेंगी। सब लोग दुकानें पर बच्चों के लिए झूला वूला सब लोग खिलौना वोना खरीदते हैं। इधर देखो रोड पे ही एकदम गुरैया जलेबी चटैया जलेबी जो बोलते हैं वैसे खिला रही है और लेडीज की चीजें मिल रही है और चाउमिन बर्गर खाना है तो भी चीजें मिल रही है, सब कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम सब आप यहीं पे खा सकते हैं मेन रोड पे और यहाँ पे सब हर एक चीज मिल रही है जो आपको लेना है, बच्चों को खिलौने से लेके बड़ों के लिए सबके लिए मिल रहा है। भोपो को आपको लेना है गुब्बारा वुब्बारा तो देखिए सब कुछ मिल रहा है। पुस्तक मार्केट सेंटर जैसे कि आप देख रहे हैं राहुल चौकी अभी जा रही है और उस पर भी सब लोग पूरी चौकी रेडी होके आएंगे तो धीरे धीरे चौकियां रेडी होनी चालू हो गई जो कि 12 बजे तक स्टार्ट हो जाएंगी। तो 12 बजे हम आपको दूसरी वीडियो में फिलहाल अभी मैं तेलियरगंज रोड पे खड़ा हूँ और अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जिला थाना रोड के साइड में। इधर की काफी अच्छे सजावटें की हुई है और इस गली में भी काफी भीड़ लग रही है, देख रहे हैं काफी एकदम शानदार तरीके से भाई एकदम सजावटें की गई है और काफी तगड़ी वाली भीड़ है एकदम तगड़े वाला। और इधर आपको देखिए टैटू भी बन रहा है, टैटू भी आके आप बनवा सकते हैं। पंडित जी चूंदी वाले और हमारे भाई पंडित जी चूंदी वाले भाई बहुत मजा आ रहा है, चौचक एकदम मजा आ रहा है एकदम भाई व्यवस्था चौचक है भाई कर एकदम व्यवस्था चौचक एकदम चौचक मजा आ रहा है। तभी आपने मेला में देखा कि हम तेलियरगंज का मेला दिखाएं, अब आपको लेकर चलते हैं रसूलाबाद में भी मेला आ जाए तो वहाँ पे भी दिखाते जो की तेलियरगंज से एकदम सटा हुआ इलाका है। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं तेलियरगंज के अंदर और ये जो मस्जिद देख रहे हैं मस्जिद के बगल से ही रसूलाबाद जाएगा, उधर भी हम लेके जाते हैं। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं एकदम अच्छे से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डीजे यहाँ का ऐसी बजता है बाकी के साथ, देख रहे हो कितना हम मार्केट गाँव डीजे बज रहा है भाई। इधर देखो भाई इधर झांकी तैयार हो रही है और इधर डीजे बज रहा है, अभी लाइट जैसे कि तो और खतरनाक आ बजेगा। अभी हम लोग आ गए रसूलाबाद में और इधर भी भाई मेला काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इधर भाई देखो इधर भी डीजे ये बज रहे हैं और काफी चौजे तरीके से भाई इधर गली हुई कंजेस्टेड वाली बात है, कंजेस्टेड हो जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए फिलहाल अभी मैं रसूलाबाद में आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए पूरे रोड पे मेले लगे हैं और इसका लग रहा है और इधर से मेला लगते हैं पूरा आया हुआ है। और इस साइड में आपको दिखाता हूँ मेले कैसे लगे हुए देखिए। चीन टपाक दमदम वाले मेला लगा है रसूलाबाद में। तो जैसे कि अब तक ने आप लोगों ने वीडियो देखा कि मैंने तलियागंज का पूरा मेला का वीडियो दिखाया और रसूलाबाद भी गए थे। रसूलाबाद में बेसिकली मेले के नाम पे कुछ है नहीं, वहाँ पे झांकियाँ ही निकलती है। मेले की पूरी तो जितनी भी झांकियाँ निकलती है तलियागंज में सब रसूलाबाद से ही होते हुए आती है, वही सारी झांकियाँ निकलती है। और आपको दूसरी वीडियो में रात को डीजे कम्पिटिशन और झांकी कम्पिटिशन दोनों दिखाया जाएगा जो की दूसरे वीडियो में रहेगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम मेले की ऐसी पूरी वीडियो प्रयागराज की आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय टेक केयर।